so my name is Ahmed I am a trainer and a life coach with the Let's Focus Academy and you are joining a masterclass which is going on on the topic critical thinking and I wish the best for you to learn something new which you haven't learned for now as if and मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपका यहाँ आना और आपको इसे सेशन ज्वाइन करने में बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छा लगने वाला है so are you all with me I want a response in the chat box कि आप सब मेरे साथ हैं so please write हाँ मैं आपके साथ हूँ या हम आपके साथ हैं जल्दी जल्दी लिखो मैं देख रहा हूँ कौन कौन लिख रहा है नहीं लिखेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे अच्छा मैं बता दे रहा हूँ लास्ट वीक में मैंने बताया था कि मैं आई एम ए वेरी बैड टीचर सो मैं बहुत परेशान करता हूँ जो भी हमारे साथ रहते हैं ट्रेनर टीचर हुज़ मी इज़ गोइंग टू बी इन ट्रबल सो आई वॉन्ट टू इन येस यस 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 हम साथ हैं मैं लिखने को बोला तो हम साथ हैं लेकिन लोग यस yes, यस yes, लिख रहे हैं यार क्या बात है वालेकुम सलाम जवाब इंग्लिश 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 ठीक है हम आपके साथ हैं वाह बेहतरीन रिजवान भाई आई अप्रिशिएट इट आई लाइक इट आई लाइक इट आई लाइक इट और हम साथ हैं ये भी ठीक है बेहतरीन है बेहतरीन है हम आपके साथ हैं अरे भाई हम आपके साथ हैं बिल्कुल हमें चाहिए आपका साथ ओके सो लेट्स इट्स गुड टू गो सो व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग कैन एनीवन जस्ट टेल मी याडीज टूट इन आप बता सकते हैं है या आप चैट में लिख सकते हैं कि बताइए क्या है या आप क्या जानते हैं वैसे तो मैंने आप सबसे फॉर्म में लिखवा ही दिया था क्या है यूजफुल थिंकिंग्राहिम थे इज समथिंग विच इज़ यूजलेस थिंकिंग तो शायद ओवर थिंकर होगा मामला वो वेरी गुड ओके 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 ओके

और इसमें कुछ क्रिटिकल की बात हो रही है क्रिटिकल में क्या मीनिंग हो सकते हैं क्रिटिकल के क्रिटिकल कैन बी समथिंग क्रिटिकल कैन बोथ साइड्स यानी सारे चीजें एनालाइज कर लिया सारे चीजें देख लिया डेफिनेशन right? so, अगर हम देखें क्रिटिकल थिंकिंग की लाइक फ्रॉम डिक्शनरी इट्स एनालिसिस एंड ऑफ एन इशू

ये तो आप शुक्र मनाया कि क्या नाम है मैं कैमरे नहीं खुलवा रहा हूँ मुंह से नहीं बुलवा रहा हूँ नहीं तो हर किसी का क्या नाम है अभी कैमरा ऑन वान करवा देता मैं मैंने नहीं बख्शना था तो जल्दी जल्दी प्लीज़ लिखे जरा क्या है इसमें इस डेफिनेशन इस से चार चीज़ें क्या आ रही है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एवेल्यूशन जजमेंट ठीक है ऑब्जेक्टिव भी दिख रहा है एनालिसिस भी दिख रहा है वेल्यूशन दिख रहा है जजमेंट दिख रहा है एक और चीज़ है जो नहीं दिख रही है लोगों को एक और चीज़ें हैं जरा आई वॉन्ट टू सी वन मोर थिंग

यानी तो हर जगह क्रिटिकल थिंकिंग रोज रोज शुरू कर दिया चलो एक दिन क्या समझ में आया कि चलो आज एक दिन कर लेता हूँ आज मेरे पास मौका है कि मैं क्रिटिकल थिंकिंग करूँ कि मैं नमाज पढ़ूंगा तुम तो नमाज क्यों पढ़ना है क्या पढ़ना है सब पूरा लगा दिया क्रिटिकल थिंकिंग अब रोज वही क्रिटिकल थिंकिंग अगर मैं लगाऊँ नमाज पढ़ने के लिए तो आई एम नॉट एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग आई एम डूइंग समथिंग विच इज अबसर्ड एंड वेस्ट ऑफ टाइम तो एक चैलेंज होना एक इशू होना आपके सामने बहुत जरूरी है उसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे एनालिसिस करेंगे और चीजें करेंगे उसके हिसाब से उसके बाद उसको एक जजमेंट फॉर्म करेंगे जजमेंट का एक दूसरा वर्ड क्या हो सकता है समझने के लिए और अच्छा डिसीशन right? तो डिसीशन क्या है बहुत अच्छी चीज है decisions आपको सिखाते हैं बहुत कुछ डिसीशन आर वॉट डिसीजन आर वॉट इज गोइंग टू मेक यू गोहेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम और चैलेंजेस ठीक है तो जजमेंट लेना सबसे अच्छा कहां से सीखेंगे आप क्रिटिकल थिंकिंग से और जजमेंट लेने की जो क्या नाम है कैपेसिटी है लीड्स व्हाट व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी चीज आज के दौर में प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लाइक वन ऑफ द गोल्डन थिंग्स अच्छा कितने लोग हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वर्ड से फेमिलियर एंड दे वांट दे हैव लर्न समथिंग रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग हाउ असेसमेंट समथिंग कभी जिंदगी में यू हैव डन एनीथिंग रिगार्डिंग ओके बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई देना the... yes, yes, okay. पड़ता था तो खैर सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इज आर्ट एंड एंड स्किल टू बी खैरम सॉल्विंगज पी एस ए अरे वाह राइटर रिमेंबर्स या आई रिमेंबर एज वेल अच्छा मेरे अच्छे नंबर आए थे बुरे नंबर आए थे ये मैं भूल गया हूँ तो अगर मैं भूल गया उसका मतलब अच्छे नहीं आए होंगे एनी वेज सो इट यूज़ टू बी पी एस ए प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट तो आई थिंक स्टिल होता है या नहीं होता है मुझे याद नहीं है बट इट यूज टू बी अ टफ वन राइट तो ये चीज़ें हैं जो आपको इस चीज़ में समझनी होती है एक टिप मैं आपको पूरा देता चलूँ क्या नाम है इनिशियल उसमें कि हमने इशू जो फेस किया ना जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं जजमेंट्स की बात कर रहे हैं डिसीशन की बात कर रहे हैं तो इशू एट द हेड सो उसको प्रॉब्लम वर्ड दिया फिर फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सो यू रियलाइज वी मेक अ प्रॉब्लम ओनली वेन वी कॉल इट अ प्रॉब्लम राइट लाइक इमेजिन कीजिए अगर आप प्रॉब्लम को लेट्स स्टार्ट कॉलिंग प्रॉब्लम इंस्टेड जोक

एक एनर्जी आ गई कि हाँ यार चलो कुछ करना है अपन गोइंग टू डू समथिंग सो दैट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट सो अब तक आपको क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन एंड व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग कितने लोगों का क्लियर हो गया जिनको नहीं हुआ वो बताएंगे जिनको हो गया वो भी बोलेंगे हाँ जिनको नहीं हुआ वो बोलेंगे नहीं जल्दी जल्दी लिखो जल्दी जल्दी लिखो अदरवाइज हम आउट ऑफ टाइम जाएंगे लास्ट टाइम की तरह क्लियर 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 क्रिटिकल थिंकिंग क्या है क्लियर क्लियर बाकी लोग कहाँ हैं अच्छा मेरे को पर्सनल मैसेज नक्को करो पब्लिक में लिखो प्रोवाइड इन पब्लिक सो दैटरी नहीं होते तो बात करेंगे लेकिन जब तो फिर क्यों टाइम्स फिर लगाए ऑन टू नेक्स्ट थिंग ओके दैट्स क्रिटिकल थिंकिंग फॉर यू द नेक्स्ट पार्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग इन करेंट टाइम्स क्रिटिकल इन करेंट अभी करंट बिजली नहीं हमारे प्रेजेंट टाइम में हाउ इम्पोर्टेंट इज क्रिटिकल थिंकिंग इन करंट टाइम एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वाई इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट जैसे बहुत ज्यादा है अमाउंट ऑफ इन्फो विच ट्वेंटी बैक पीपल और मे बी हंड्रेड ईयर्स बैक और मे बी थ्री हंड्रेड ईयर्स बैक हिस्ट्री में जितना पीछे चले जाएंगे इंसानों के पास उतना कम इंफॉमेशन होती थी यहाँ तक कि बाप गया बेटा गया जैसे मिसाल के तौर पे वन परसन स्टेज इन इंडिया एंड हिज डॉटर और सन और समवन टू मक्का फॉर हज और समथिंग तो वो वहाँ पे जाके क्या करा उसकी इन्फॉर्मेशन एक साल बाद आने वाली है तो दैट इनो यूज टू गेट आफ्टर वन ईयर यू आर गोइंग टू गेट इन फ्यू आवर्स नाउ ये हाल है ऐसा राइट यू अंडरस्टैंड कि अभी आपको इंफॉर्मेशन कितना फास्ट पेस्ड है सो देर इज अ लॉर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ इन्फो कमिंग ओके और तो इन्फो जितनी तेज सर्कुलेट होती है उतनी तेज उसके बाद चैलेंजेस भी सर्कुलेट हो रहे हैं इन्फो के साथ साथ हर चीज अच्छा फला कुछ भी हुआ फॉरन यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम अब एक प्रॉब्लम हुआ आपके दोस्त के घर या आपके वालदा के घर या आपके भाई के घर एनी ओन यू नो एनी कजन उसके घर में कोई प्रॉब्लम हुआ ही शेयर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ये लॉजिकल है समझ में आ रही है बात की नहीं कि भाई पहले एक बंदे के पास प्रॉब्लम था वो खुद ही सॉल्व करता था या वो जिस जो लोग फेस कर रहे हैं तीन चार लोग उनके पास ही सॉल्व करने का रास्ता रहता था वो किसी से मदद नहीं ले सकते थे लेकिन अब क्या होता कुछ भी होता आदमी दूसरे को शेयर करता फॉरन प्रॉब्लम तो नाओ चाहते या ना चाहते हुए लाइक like इट uh, और नॉट यू आर बींग यू आर गेटिंग इन्वाइटेड इन अ प्रॉब्लम और अ चैलेंज और अब आपको भी मदद करना है नाउ यू विल हैव टू प्ले योर पार्ट एज वेल टू सॉल्व दैट और रिजॉल्व दैट चैलेंज और सॉल्व दैट प्रॉब्लम एनीथिंग तो उसके हिसाब से आज के दौर में ये भी चीज़ बहुत बढ़ गई कि अमाउंट ऑफ जजमेंट्स जो है ये भी बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं ठीक है यू यू हैव हैव टू टू टेक अ अ लॉट लॉट ऑफ ऑफ डिसीजंस डिसीजंस क्विक अब पहले जमाने में लाइफ बहुत मोनोटोनस होती थी लाइक यू हैव टू मेक वन क्रिटिकल इन इन अ ईयर में भी लेकिन अब तो ऐसा दिख रहा है कि रोज एक क्रिटिकल डिसीजन लेना है कई बार व्हाट्सएप खोलना की नहीं खोलना मैसेज कर रिप्लाई करना नहीं करना पोस्ट डालना नहीं डालना एवरीथिंग इज इज अ अ देयर प्लेस हर जगह आपको एक नए डिसीजन लेने की जरूरत पड़ रही है उसके बाद एक चीज क्या है इन्फो और मिस इन्फो अब आज के दौर में इन्फो के साथ साथ क्या हो गया मिस इन्फो भी बहुत आ गया पहले लोग कोई भी इंफॉर्मेशन आती थी उसके मिस इन्फॉर्मेशन बहुत रेयर चीज थी फेक न्यूज़ फैलाना ये फैलाना ये होता था ऐसा नहीं कि इट्स नॉट देयर बट इट्स अ रेयर थिंग जनरली इन्फो ही इतनी कम है तो फेक इन्फो कहाँ से लेके आएंगे इतनी बार ठीक है और लोग ट्रस्ट भी इतना जल्दी नहीं करेंगे किसी ने कोई हवाई उड़ा दी कि यहाँ पे गजा में फैला जाए ये हो गया अब लोग कहेंगे भाई तुम्हें कैसे पता अभी तो जैसे लाइव कोई भी है हाँ ठीक है इनफॉर्मेशन आ सकती है किसी को किसी ने व्हाट्सएप पे बता दिया किसी को स्नैपचैट पे मिल गई कुछ भी किसी को गूगल ने बता दिया सो एवरी वन हैज समाओ बट अर्लियर ऐसे नहीं होते थे तो पीपल टुक it took a very brave heart someone किसी को झूठ बोलने के लिए बहुत power चाहिए था now it's very easy आपको जब जाके कोई रोकने वाला भी नहीं एक post डाल के गायब हो जाना और देर इज अस इन्फो from your contribution तो आज के में मिस इन्फो भी बहुत है और ट्रस्ट एंड डिससेप्शन का जो रेशियो है ना इस वक्त ऑलमोस्ट डिसेप्शन हैज डिफीटेड ट्रस्ट लाइक इफ यू आर इफ यू स्टार्ट काउंटिंग हाउ मेनी पीपल यू ट्रस्ट दैन हाउ मेनी पीपल यू आर डिसप्टिव ऑफ कि हाँ यार ये कुछ झोल है इस बंदे में uh, if, uh, uh, इसके साथ की आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एंड विजुअलाइज़ ऑल द पीपल हुम काउंट देयर नेम्स ऑन योर फिंगर कितने लोग हैं जो आपको अभी याद आ रहे हैं विद इन जब तक मैं बोल रहा हूँ कि इन पर आप ट्रस्ट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव कितने लोग याद आ रहे हैं आपको हाउ मैनी पीपल यू रिम्बर लाइक यू ट्रस्ट डेम फॉर एनी थिंग ओके हाउ मैनी पीपल ओके कमिंग

i think everyone has written or someone's still remaining one ten i trust blindly so okay no problem uh, trust blindly achieve other okay now just be a blind and think of people who you don't trust maybe it's the prime minister maybe it's the uh, politician from your city maybe it's a friend of you who you don't actually trust but is in your life maybe your podoc maybe or someone so just try to visualize people who you don't trust in your life सो so, कितने लोग आए लोगों के पास इज इट लेस पीपल और इट इज मोर पीपल पुट अ नंबर अरे भाई ये टू मेनी असल में अहमद भाई बेचारे बिजनेस मैन है ना सो ही हैज लॉट ऑफ पीपल गर्ल्स में कम होता है फिगर सो आई एम इंटरेस्टेड इन वुमेन फोक कि कितने लोग आ रहे हैं उनको जिनको ट्रस्ट नहीं करते अच्छा किसी ने मेरा तो नहीं सोचा किसी ने मेरा तो नहीं सोच लिया कि भाई मैं इसको भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ ये बंदा क्या बोल रहा है मैं आ रहा हूँ देखने इसकी क्लास में

Uh, ट्रस्ट के लिए बहुत महदूद है फिगर यू थिंक आप मतलब आप कोई भी इंसान से मिलो तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है humanity की ट्रस्ट है, है कि आप अचानक कोई रैंडम बंदा मिला तो आप उसको ट्रस्ट करेंगे उसकी बात पे या उस पर डिसेप्शन करेंगे दिस चेंज्ड जो लोग ट्रस्ट में हैं दे आर टू इनोसेंट एंड आर टू गुड फॉर फॉर द प्रेजेंट टाइम बट जनरली जनरली फॉर मोस्टली फॉर द वुमेन हम अब इस जमाने में लाइक ओवर द थर्टी करता हूँ कि पहले इंसानों का म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज्यादा था बट नाउ इफ एट अ रेलवे स्टेशन रैंडम आपको गया और कोई बंदा आ गया कुछ बोला कि मेरे को ये दे दो मेरे को वो दे दो सो आर यू गोइंग टू ट्रस्ट दैट पर्सन और आर यू यू विल बी ऑफ इट कि नहीं भाई मैं उसको ट्रस्ट कर रहा हूँ सोचेंगे पहले एनालाइज करेंगे देखेंगे उसको ऊपर से नीचे पाँव से ऊपर से नीचे, नीचे तक कुछ भी तो एक जनरल परसेप्शन जो है कि इंसान इस वक्त अगर कहीं पब्लिक प्लेस में किसी भी बंदे से मिलता है और वो उसको कुछ भी बोलता है तो आदमी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता है आदमी फर्स्ट डिसेप्शन के उस मोड पे जाता है एंड दैट इज एक मुस्लिम एंगल अगर मैं बता दूं कि दैट इज व्हाट इज द एंड टाइम्स की बात वही है कि द एंड टाइम्स में डिसेप्शन विल बी हाईएस्ट और इसीलिए जो सबसे बड़ा डिसेप्शन क्या है दुनिया का दज्जाल है सो लाइक वी देयर इज अ फितना ऑफ दज्जाल कमिंग अप सो दैट इज द एपिटोम एंड हाइट ऑफ डिसेप्शन सो उस चीज को भी समझने की ज़रूरत है तो खैर ये चीज़ तो एक्स्ट्रा मैंने बता दिया आपको अब हम चलते हैं वाट आर द कंपोनेट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ऊपर सिटी लिखा हुआ तो सिटी से कंफ्यूज ना हो क्लास टाइम नहीं है वो क्या बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग है वो सो वॉट आर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग दर आर मेनली फाइव कंपोनेंट्स डेवलप दिस प्रोसेस राइट और उसको समझने के लिए हमारे पास ये बहुत प्यारा सा डायग्राम है uh, all

उसके रीजन और इवेलुएशन एक्सप्लेनेशन पे आने से पहले एनालिसिस ही एनालिस है हम ध्यान से देखते नहीं अब खैर हमारे दरमियान तो ज्यादातर लर्नड पीपल हैं और जो जो अंदर फील्ड उनको तो एनालिसिस उनके अंदर सिखा दिया गया दे आर बिन इनग्रेंड एंड ट्रेन टू डू एनालिसिस ऑफ एलवेज एनीथिंग विच कम्स टू देयर हेड और समथिंग कम्स टू देयर टेबल सो वो एनालिसिस करते हैं उसके बाद रीजन ढूंढना रीजनिंग करना हर चीज की कि भाई ये इशू आया है तो इसके पीछे ये क्या नाम है रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे ये वजह हो सकती है इसके पीछे ये सारे क्या नाम है रोल्स प्ले कर रहे हैं इसके पीछे ये सारे इवेंट्स हैं जो विच लेड आउट टू दिस फाइनल इवेंट इसके कॉजेज़ ये हैं इफ़ेक्ट्स ये हैं ये सारी चीज़ें इसके बाद उनको एवेलुएट करना कि भाई ये वाले रीज़न हैवी हैं ये वाले रीज़न लाइट हैं ये वाले रीज़न आपको क्या नाम है मेजर दिख रहे हैं ये वाले माइनर दिख रहे हैं और इसको अगर सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं तो क्या नाम है इसके ये प्रॉब्लम्स हैं चैलेंजेस इसके इतने लेवल के हैं ये चैलेंजेस के इतना लेवल का है ठीक है तो उस चीज़ को इवेल्युएट करना उसके बाद क्या करना उसको इन्फ्लेंस करना यानी इन्फ्लेंस यानी उस इवेलुएशन से जो रिजल्ट निकाले उनको क्या नाम अपने आपको समझाने के लिए वो ग्राफ्स लिखते थे जब या डायग्राम्स बनाते थे या जिसे बोलते थे लैब मैनुअल्स वगैरह से कॉपी करते थे उसमें होता था ना आपके क्या नाम है फिजिक्स केमिस्ट्री लैब में कि एक्सपेरिमेंट एनालिसिस इन्फ्लेंस सब कुछ होता था उसमें तो वही चीज इन्फ्लुएंस और क्या नाम है आप डायग्राम में देखेंगे तो इट्स गोइंग टू टू आफ्टर इवेलुएशन यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं उसको समझते हैं कि भाई ये चैलेंज है इस चैलेंज को हम इस तरह से डील करने वाले हैं एंड दैट लीड्स टू योर फाइनल डिसीजन कि भाई हमें अब इस प्रॉब्लम का या इस चैलेंज को ये करना है ठीक है ये बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इसके डेप्थ में जाएंगे तो हर एक इसमें एक एक चीज़ पे एनालिसिस पे आप एक घंटा बोल सकते हैं रीजन पे आप एक घंटा कर सकते हैं वैल्यूशन पे कर सकते हैं और क्या नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डिसनिंग सब पे बात लंबी हो सकती है बट लाइक वी आर हैविंग स्मॉल मास्टर क्लास ये कोई बहुत डिटेल्ड में नहीं जा रहे हैं हम वो, वो भी जाएंगे कभी इन शो लेकिन और इन सबको अपने आप में इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग करना रहता यू विल फील की सम पीपल दे आर वेरी गुड इन रीजनिंग बट देट देस एनालिसिस वो एनालिसिस में बहुत पोअर है वो प्रॉब्लम समझते नहीं देखते नहीं लेकिन रीजन देना शुरू करते थे पहले ही राइट देन देर आर समीपल और वेरी गुड इन एनालिसिस बट वो रीजन नहीं देखते या एवेल्युएट नहीं करते

कर रहे हैं लेकिन जो लोग डिसीजन मेकिंग अच्छा कर रहे होंगे उनमें कई बार ऐसा होता है कि वो एनालिसिस में मिस कर दे रहे हैं बहुत सारे बुनियादी चीजें मिस कर जा रहे हैं कि कई बार दे दे स्टार्ट रीजनिंग इमीडिएटली प्रॉब्लम पूरी तरह एनालाइज किया नहीं उसके सारे क्या नाम है चीजें समझी नहीं एंड दे स्टार्ट रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अब क्योंकि हमारे पास जितने लोग हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर लाइक अच्छे एक uh, पढ़ने पढ़े मतलब पढ़ने वाले अकेडमिक बैकग्राउंड है डॉक्टर्स और समथिंग लाइक मतलब अच्छी खासी एक उन्होंने स्टडी की है अपने आप को तो स्टडी का एक बहुत बड़ा रोल होता है जिंदगी में कि डेवलप्स एंड लेकिन जो चीज़ इनिट रह जाती है उसमें या तो किसी की एनालिसिस कमजोर रहती है या डिसीजन मेकिंग कमजोर रहती और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत लोगों की वीक रहती है लेकिन ये की नॉट ऑल ऑफ दैम आर ऑलवेज वीक द गुड न्यूज इज इट इज नॉट पॉसिबल की किसी के पांचों कमजोर हो होता नहीं और ये भी बहुत रेयर होता है कि किसी के पांचों बहुत स्ट्रॉग हो सो यू हैव टू इंडिविजुअली वर्क ऑन योर थिंग्स और क्या नाम है आप किस चीज़ में कम पड़ रहा है या किस चीज़ में ज़्यादा पड़ रहा है उसको प्रैक्टिस करते हैं और बढ़ाते हैं आपको और इसमें सबसे बड़ी प्रोटिप क्या है ना प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग जो मैंने नीचे प्रोटिप लिखी हुई है ना कि आप डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस करो हाउ यू शुड मे एक प्रैक्टिस की छोटे छोटे डिसीजन को छोटे छोटे रेगुलर लाइफ की चीज़ों को डेली एक डिसीजन लेने का प्लान बनाओ जो लोगों को लगता है कि आई एम नॉट गुड इन डिसीजन मेकिंग या आई हैव प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकंग उनको चाहिए कि एवरी डे स्टार्ट टेकिंग वन डिसीजन अब आप कहेंगे यार इतने तो प्रॉब्लम ही जिंदगी में नहीं डिसीजन कहाँ से लेने देर आर प्रॉब्लम्स व्हिच यू डू लाइक यू शुड जस्ट क्रिएट सम प्रॉब्लम्स ये क्या हुआ भाई ये क्या हो रहा है समवन इज कंट्रोलिंग माय कंप्यूटर ऐसा नहीं करो यार ये क्या हो रहा है भाई समथिंग इज रॉन्ग इज एवरीवन गुड समथिंग इज रॉन्ग विद माय लैपटॉप इट फील्स देख पा रहे आप लोग स्क्रीन बराबर है बराबर है, चल बराबर है। रहा अचानक है। यार, इस तरह की चीजें क्यों होती हैं यार अल्लाह मेक थिंग नो वट इशू मुझे तो कुछ समझ में नहीं, नहीं यारे like, तरफ तो यार. से तो सब कुछ नॉर्मल है यार्प्यूटर सिस्टम सब कुछ वही है दिन से तो प्रॉब्लम नहीं थी खैर सो प्रोटिप क्या थी मैं दे रहा था आपको कि प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग एवरीडे तो आप कह रहे हैं आपके ऐसे तो प्रॉब्लम्स नहीं है तो स्टार्ट थिंकिंग जो चीजें आप लोग बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं कई बार कि हम आज क्या खाना बनाने वाले हैं कुछ भी बनाने वाले हैं या क्या पहनने वाले हैं जैसा कि एक आया ना कि आई कॉन्ट इवन थिंक वॉट टू क्या आया था वॉट वॉज द मैसेज कि मैं ये नहीं कर पा रहा मैं वो नहीं मैं कपड़े भी पहनने भी डिसाइड आई कॉन्ट डिसाइड वॉट टू कुक और वॉट टू वेर तो आप ये चीजें डेली के लाइफ में इनकलकेट करिए कि ओके नाउ नाउ फ्रॉम आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस दिस कि मैं अपने uh, क्या नाम है ये कंपोनेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग मैंने जो लगाए हैं उसके हिसाब से कि मैं क्या पहनूंगी सो ओके मैं रीजन स्टार्ट करूंगी कि मुझे कहाँ जाना है एनालिसिस करते हैं उस जगह जाने के लिए कौन से कपड़े अच्छे होंगे कौन से बुरे होंगे लाइक एक्चुअली इट्स अ वेरी बैड आइडिया टू डिसाइड वॉट टू वेयर ठीक है मैं तो इसलिए अपने आपको यूनिफॉर्म्स और चंद फिक्स कपड़े बनाकर रखता हूँ कि भाई संडे है तो ये मंडे है तो ये ट्यूजडे है तो ये वेनजडे है तो ये या ये करता हूँ ये आल्टरनेट डेज है ये दिन ये उस दिन यह खत्म क्योंकि भाई जितना ज्यादा डिसीजन लेंगे उतने ज्यादा फिर बड़े डिसीजन में एनर्जी कम लगेगी ठीक है एक चीज़ ये भी याद रखिए कि डिसीजन मेकिंग इज नॉट अनलिमिटेड, ये एक ऐसी कैपेसिटी है इंसान की कि आप दिन भर में आप सोचते ना कि हर डिसीजन अच्छा ले लेंगे ऐसा नहीं होता है तो जितने आपको चीज़ों को डिसीजन बड़े बड़े लोगों बड़े बड़े स्टेजेस पे डिसीजन इनको लेने ना तो उनको छोटे छोटे एलिमिनेट करने होते हैं दैट्स why ऑलवेज ऑल द ग्रेट CEOs or और लीडर्स दे ऑलवेज हैव सेक्रेटरीज छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अब अगर सेक्रेटरी ये डिसाइड करने लगेगा या एक बंदा ये डिसाइड करने लगेगा कि कपड़ा कौन सा पहनू तो फिर वहाँ पे जाके मीटिंग में ये डिसाइड कैसा करेगा कि मेरे को, क्या नाम है कौन से डील करनी है कौन से नहीं करनी तो योर ब्रेन इज ऑक्यूपाइड योर ब्रेन गेट्स यूज हो और उसको क्या नाम है इस चीज़ में मतलब एक चीज इट गेट्स एक्सपेंस वहाँ पर खर्च हो रहा है दिमाग आपका सो आपको हर जगह पर दिमाग खर्च नहीं करना है बट फॉर प्रैक्टिसिंग जिन लोगों को अभी नहीं बनाना आ रहा वो इसी से स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे डिसीजन में क्रिटिकल करें एंड स्टार्ट मेकिंग डिसीजन की आज ये बनाना चाहिए तो आ, उसके लिए एनालाइज कीजिए तो आज का मौसम कैसा है इस मौसम में क्या सब्जी अच्छी रहेगी इससे हमें क्या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे हफ्ते भर में हमने क्या पकाया था Uh, और हमें कौन से न्यूट्रिएंट लैक कर रहे हैं फैमिली पकाने के सिलसिले में अगर किसी को लेना है या किसी को कार या बाइक से जाना है तो ठीक है आज एनालाइज करते हैं बारिश होने के हैं कि नहीं है जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे क्या नाम है खड्डे हैं कितने हैं क्या है गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी धूल उड़ेगी कि नहीं गिव ग्रेट पीपल डोंट टेक स्मॉल आप भी फिक्स कर सकते हैं कि क्या नाम है

और बड़े डिसीजन आप लेंगे तो छोटे डिसीजन आप इग्नोर करेंगे यू जस्ट गिव इट टू समन जैसे एक बहुत अच्छा तरीका होता है मुझे अगर मैं रेस्टोरेंट में चला गया तो मैं कभी भी नहीं डिसाइड करता मुझे क्या खाना है मैं सामने वाले को बोल देना जो ऑर्डर करना कर दो खत्म स्पेशली इफ यू हैव समवन यंगर देन यू इट्स वेरी गुड आइडिया भाई क्यों आप दिमाग खर्च करेंगे क्या खाने पर सामने वाले से पूछ लो क्या खाएगा वो उसकी जो मर्जी होगी हिम डिसाइड द थिंग सो इट्स ईजियर प्रोसेस कि आप दूसरे लोगों को इंक्लूड कीजिए और उनको मौका दीजिए छोटे डिसीजन देने का बड़े डिसीजन आप कंट्रोल करना सो यू बिकम द बेस्ट फ्रेंड आप गाड़ी में बैठते ये डिसाइड कीजिए कहां बैठेंगे कहाँ बैठेंगे वो जिसको डिसाइड करना कर लेगा अपने हिसाब से आप ये डिसाइड कीजिए वेर वी आर गोइंग हम कहाँ जाने वाले सो so, बड़े छोटे डिसीजन को इग्नोर कीजिए ये भी क्रिटिकल थिंकिंग एक पार्ट है इज दैट डिसीजन या इज दैट चैलेंज नेसेसरी इनफ फॉर मी टू मेक डिसीजन क्या वो मेरे लिए जरूरी है कि मैं उस पर सोच के अमल करके दिखाऊँ तो उसको भी अपना की हर चीज का डिसीजन आपको नहीं लेना है ये भी जान ले, ले चीज़ है राइट right? अच्छा इसमें एक बोनस बात में बता देता हूँ कि लिसनिंग इज़ वेरी क्रिटिकल कि अपन ये मैं एंड में बताने के सोचा था लेकिन मैं आपको अभी इंक्लूड कर दिया वैसे स्लाइड की इसी बात में टॉपिक सही बनता है कि कई बार डिसीजन मेकिंग में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है लिसनिंग हम मिस कर रहे होते हैं एंड दैट्स वाई वी आर पुअर इन ऑल ऑफ द थिंग्स क्योंकि आपने सही प्रॉब्लम लिसन नहीं किया स्पेशली टॉक्स के बीच में हाँ अगर कोई एग्जाम रूम में या क्लास में कोई प्रॉब्लम आता है कुछ आता है तो उसमें तो अपन करते ही करते हैं कि हम पढ़ते हैं लिखते हैं लेकिन उसमें भी मिस करते हैं लेकिन जनरली हमारी लिसनिंग स्किल्स बहुत पुअर होती हैं और लिसनिंग इज अफेक्टिव वेरी इफेक्टिव थिंग इफ यू आर गोइंग टू टेक अ वेरी गुड डिसीजन और आपकी क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स को बहुत तेजी से एक्टिवेट करती है लिसनिंग बहुत अच्छे से अब मैं आपको बताऊँ लाइक आई डोंट वांट टू प्रेज माय सेल्फ बट आई डू नो प्रॉब्लम थोड़ा सा चलता है कि हमने लिसनिंग के लिए क्या नाम है थेरेपीज की थी एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट लिसनिंग कितना इफेक्टिव है तो आई हैव लर्न इट एट अ लेवल की अगर मैं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुन सॉन्ग सॉन्ग सुन तो नहीं सुनना चाहिए लू अंग लू अस्तफर लेकिन अगर कोई मैं सॉन्ग सुन लू कभी गलती से या सुन लेता था कभी गलती से तो मैं एक एक इंस्ट्रूमेंट उस सॉन्ग में पकड़ सकता हूँ अभी भी अगर कोई सॉन्ग प्ले होगा तो मैं बड़ी बारीकी के साथ उसमें कौन कौन सी चीजें बज रही हैं क्या बज रहा है और कोरस कहाँ पे कितना इफेक्टिव है कहाँ पे कितनी आवाजें आ रही हैं तो ये लिसनिंग की इफेक्टिविटी कि आप पूरी चीज़ों को ब्रेक डाउन कर ले रहे हैं एंड दैट हेल्प कम्स फ्रॉम वेल्थ इट कम्स फ्रॉम फोकस लिसनिंग का सबसे बड़ा रोल क्या है फोकस में वो जो हम लोग पिछले सेशन में डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं जिन लोगों ने नहीं किया लेकिन कॉन्ट्रेक्ट में गेट द रिकॉर्डिंग सेशन या हम दोबारा कभी करेंगे मास्टर क्लास फोकस पे तो उस पर भी आएंगे तो फोकस बहुत जरूरी है और राइट right लिसनिंग सही चीज सुनना कई बार एक बंदा आएगा आपके पास पूरी लंबी चौड़ी कहानी लेके आएगा लेकिन उसमें से काम का जुमला एक या दो ही होगा दैट इज इज एक्चुअल लिसनिंग कि आपने वो जुमला सुना कि नहीं सुना बाकी कहानी तो साइड में तो ये समझने की जरूरत है कि कितना ज्यादा सुनना बहुत जरूरी है तो लिसनिंग एक बहुत क्रिटिकल चीज है ठीक है तो मैंने ऐसे इंक्लूड कर दिया अब एक चीज आती है जो क्रिटिकल थिंकिंग में हमें हैंडल करती है सबसे ज्यादा तो वो है कॉग्निटिव लाइक like हम कई बार डिसीजन लेने में अपने आप को सोचने में और क्या नाम चीजों को समझने में क्या करते हैं अपने पर्सनल क्या नाम है और अपने पर्सनल और एक अपनी बायसनेस लेके आ जाते हैं बीच में सो हाउ मेनी पीपल डू दैट अब ये भी बता दो तो कौन लोग करते हैं कौन दूध के धुले हैं जो क्या नाम है ये नहीं करते हैं और कौन जो है ये करते हैं कि वो डिसीजन लेने में कॉमनेटिव बायस को इंक्लूड कर लेते हैं कितने लोग ऐसे हैं मोस्टली नॉट अब्दुलरम इज लाइक समॉक्टर साहब हैं जो भी हैं

गजा में हमने न्यूज सुनी कि क्या नाम है इसराइल ने जुल्म किया या गजा वालों ने कुछ रेजिस्टेंस पे अटैक किया क्या आपने ये सोचा कि क्या नाम है नहीं हो सकता हो गजा वालों ने कुछ गलती किया हो या हो सकता हो गजा वालों ने वो किया हो या कुछ भी या इमिडिएटली आपने क्या किया नहीं भाई वो तो सत्तर साल से पिटते चले आ रहे हैं उनका क्या है वो तो कुछ भी कर सकते हैं ये है वो म नॉट गोइंग उन्होंने सही किया गलत किया उस पर बाद में जाएंगे लेकिन डिड योर पर्सनल बयास लेट यू थिंक अबाउट इट कि नहीं यार हमास भी गलती कर सकते हैं या गजा वाले भी गलती कर सकते तो डिड योर कॉग्नेटिव बयास देयर और नॉट डि नॉट इट डिट नहीं अब्दरीम तो चले ठीक है वो एक्सेप्शनल है लेकिन बाकी लोग क्या उस बयास में नहीं आए और आगे चलते हैं और चीज़ चलते हैं If someone comes and starts saying okay, from the story of uh, of फ्रॉम द स्टोरी आयत है इसमें इस कुछ ऐसा है जो which is not acceptable या आपके fundamental religious किसी, system पे किसी ने कोई उंगली उठाई या एक challenge लेके आया आपके सामने सो so, uh, go for it हाँ ah, नहीं नहीं हम analyze करेंगे critically think करेंगे या करेंगे या cognitive bias kicks in? नहीं भाई अल्लाह की बात है तो सही होगी कुरान की बात है तो सही होगी so that happens बिल्कुल उसमें भी लोग ऐसे होंगे जो उसमें भी क्रिटिसिज्म लाते होंगे और उसमें भी क्या नाम है थिंक करके फिर उसके बाद बिलीफ लाते हैं लेकिन अमूमन क्या करता है इंसान कि भाई कुछ बातों को डायरेक्ट ले लेता है यू डजेंट इवन थिंक अबाउट इट यजेंट क्या नाम है उसको डिड्यूस करता सो दैट इज ऑन अ बिगर लेवल मैं आपको एग्जाम्पल टॉप लेवल का समझाया कि बॉटम लेवल पर भी ये बहुत सारी चीजें डिसीजन मेकिंग में आपकी होती हैं इफ़ यू ट्रस्ट ब्लाइंडली इफ यू से समथिंग यू आर नॉट गोइंग टू क्रिटिकली एग्जामिन इट वॉट इज से इन रिलीजन वी डोंट लेटर्स शैतान गेट आई डों गुड एग्जाम्पल या इट मे नॉट बी अ गु एग्जाम्पल इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू थिंक कॉमनेटिव बयास क्रिएट करना हर इंसान के अंदर इन्हेड है इट्स अचुरल एंड समाइम्स यू हैव टू क्रिएट इट एंड ब्रेक इट दट्स वॉट इट मीनस की आपका रिलीजन क्या नाम है यू हैव लर्न योर रिलीजन एज वेल राइट यू डोंट है लेकिन बिलावज शैतान के विस्पर्स अलग हैं लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना तो ये चीज़ें हैं कि यू शुड नो योर रिलीजन बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए आप क्या अमल कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है कि okay, इमोशंस में जब आप चले जाएंगे तो बहुत कई बार ऐसा होगा कि आप लॉजिकल थिंकिंग करना बंद कर देंगे भाई दिमाग या तो इमोशन लाइक like, uh, समझ लीजिए दिमाग के दो रास्ते हैं या तो इमोशनल रास्ते पर चल ले या तो क्या नाम है लॉजिकल रास्ते पे चल रहे या क्रिटिकल रास्ते पे चल रहे मैटर नहीं करती है क्या भाई अच्छा फला वो वहाँ के हैं वो साउथ इंडियन है मैंने बोला तो साउथ इंडियन फॉरन कुछ ना कुछ इमेज दिमाग में आई जाती है अच्छा वो नॉर्थ इंडियन है वो यूपी के रहने वाले हैं तो देर इज सू इफ आई से देर आर समथ विच इज विचार इनहेंटली विद अस तो इस चीज़ में कि समाज ने डिजाइन कर दिया सोसाइटी ने डिजाइन कर दिया अब मैं कहूँ एन अरब फ्रॉम फलस्तीन तो आपके पास एक इमेज है कि वो कैसा होगा एब मैं कहूँ एक एन अरब फ्रॉम यू ए सो यू हैव अ डिफरेंट इमेज हाउ इन इफ यू कैन रिलेट विद दिस एग्जाम्पल कि एन अरब फ्रॉम फलस्तीन इज नॉट सेरब फ्रॉम यू ए फ्राम अर बिजनेस एंड कम इडियट्स एंड टेक एक्सपर्ट बिल्कुल क्यों क्योंकि उसके ऊपर उनको क्या बोलते हैं भरोसा है वो उनके लिए अन हैंज गो विदियटर्ट तो इस एग्जाम्पल को कितने लोग समझ पा रहे बोथरेंट या बोथ आर सेम है तो दोनों यार अब लेकिन आर द सेम इन योर माइंड आई वांट रिस्पॉन्सेज दे आर डिफरेंट यस दे आर डिफरेंट नो दे आर नॉट सेम दे आर डिफरेंट सो इस चीज को आपको समझ में आ, आ रही हालांकि वी शुड नॉट बी लाइक हाँ एक हमने रिलीजन एक रीजन लेके आए हमने कि यूएई बट ऐसा जरूरी तो नहीं हो सकता यूएई में भी एक बहुत तकवा और परहेजगार और दीनदार और बहुत अच्छा अरब हो ऐसा भी पॉसिबल है कि गजा में एक बहुत बेदीन बहुत क्या नाम है एथिस्टिक माइंड हो क्या ऐसा कैसा नहीं होता है कि लाइक इज इट नॉट पॉसिबल कि वहां पे भी कोई हो सकता है जो रिलीजन के बजाय जस्ट बिकॉज ऑफ नेशन लाइक आई नो पर्सनली फलस्तीनी गाय पर्सनली मैं पर्सनली जानता हूँ फलस्ती गायज नॉट इन रिलीजन ही इवन प्रे और समथिंग लाइक दैट बस ये दम्मी फलस्तीनी है वो बस की ठीक है भाई हम वो हैं भाई एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि इट्स अ ट्रेंडिंग एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हैं हैज नथिंग टू डू रिलीजन एंड लाइक वो लाइक ना मतलब नमाज रोजे से भी वास्ता नहीं बट लाइक इंस्टेड ऑफ दैट आप शायद कहीं और जगह का लेंगे वहां पर आप ज्यादा बंदा ऐसा पा जाएंगे सो इट्स नॉट ऑलवेज कि हर पर्सन वैसे ही होगा लेकिन हम स्टेडियो टाइप जब बनाते हैं वी ऑलवेज हैव दिस लिमिटेशन कि हम एक तरीके से सोचते हैं कि यार वहां पे अक्सर लोग ऐसे ही हैं तो जो भी आपको मिलेगा आपका फर्स्ट इमेज यही होगा अनलेस ही प्रूव अदरवाइज बट आपको देखने में ऐसे लगेगा कि हाँ यार ये वहाँ के हैं तो ये वैसे होंगे ये हैदराबाद के हैं तो ये ऐसे होंगे ये क्या नाम है मुंबई के हैं तो ये ऐसे होंगे तो दैट्स वन लोकेशन स्टूडेंट वो बहुत तरीके के होते हैं रीजनल होते हैं लैंग्वेज होते हैं आपके बैकग्राउंड के होते हैं अकेडमिक होते हैं कि इंजीनियर है तो ऐसा होगा डॉक्टर है तो ऐसा होगा बिजनेसमैन है तो ऐसा होगा सो आर स्टूडेंट एस विच ऑलवेज फ्यूल योर सो खैर ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत बड़ा है तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्यों हम कम्युनिनेटिव बैस करते हैं शॉर्टकट्स बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू एनालाइज वी डोंट वॉन्ट टू रीजन सब कुछ इतना टाइम लगेगा ना भाई क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो टाइम लगेगा

Uh, कि उन्हें उन्हें इंटरेस्ट नहीं था तो नेक्स्ट टाइम वी कि आपने गलत किया बट इट ओके चलिए इमेजिन एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ हमारे अहमक की हमारा एक दोस्त है उसका नाम है अहमक ठीक है वो बहुत जबरदस्त इंसान है uh, उसकी रिसेंटली शादी हो गई ठीक है अब वो एक दिन क्या नाम है बहुत उसके घर से बेडरूम से बहुत जोर जोर की आवाजें आ रही थी आई वॉज इन्वाइटेड फॉर डिनर एट हिज होम और मैं बेडरूम से आवाजें सुन रहा हूँ की अहमद क्या कह रहा है चिल्ला रहा है अहमद चिल्ला के क्या कह रहा है मैं, रहा है क्या क्या है? मैं, तो मैं नहीं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तुम्हें ससुराल से इतना दहेज लेके आना ही होगा नहीं तो मैं तुम्हें तो तो बहुत पीटने वाला हूँ तुम क्या समझती हो मैं तुमसे डरता हूँ तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे पर कुछ कर नहीं सकता हूं मैं तुमको इतना मारूंगा इतना मारूंगा कि तुम सही हो जाओगी ये हो जाओगी वो हो जाओगी डिड द फील यू गेट कि अहमद क्या कर रहा है आप लोगों को क्या समझ में आया हम क्या कर रहा है ही आस्किंग द गेस्ट टू लीव सून वाओ वाओ दैट्स क्रिटिकल थिंकिंग वो लेकिन एक्स्ट्रा uh, कर लिया आपने और क्या लाइक व्हाट इज डूइंग इस इस सीन से आपको क्या समझ आ रहा है कि एक बंदा बुरी तरह चिल्ला रहा है अपने क्या नाम है वाइफ के ऊपर सो so, इससे मतलब जो डायलॉग्स वो बोल रहा है कि तुम्हें जहेज लाना होगा तुम्हें ये करना होगा तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें, तुम्हें बहुत पीटूंगा इससे और क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को अनप्रेजेंट सिचुएशन पॉसिबिलिटी ट्राइंग टू शो द द गेस्ट इज नॉट इन अरे यार इतने पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट लोग हमारे दरम्यान क्या कर रहे हैं भाई hey. <laughs> uh, वो, वो डायलॉग नहीं मान और और लोगों को क्या समझ में आ रहा है कैन यू थिंक ऑफ एक एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए व्हाट डू यू से अबाउट दिस सिचुएशन क्या चल रहा है कुछ डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है कोई कुछ चल रहा है क्या चल रहा है कैन यू थिंक अबाउट इट कुछ इसमें गेस्ट को नाराज करने की कोशिश कर रही है क्या चीज हो रही है सो दैट्स वॉट अहमद इज डूइंग राइट अहमद ने टीवी की आवाज बड़ी रख दी है रिजवान इज टू ऑप्टिमिस्ट यार बट वो आवाज अहमद की है वो अहमद की है अहमद की अहमद की अहमद नहीं यार अहमद अच्छा आदमी अहमद की आवाज़ है वो जाहिल आदमी है हाँ बिल्कुल जाहिल आदमी तो है ही ये बिल्कुल ये इमेज आ रही है अच्छा क्या ये इमेज आ रही है कि वो अपनी बीवी पर जुल्म करता है डू यू गेट दिस इमेज फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन डू यू गेट इट और नॉट

Uh, क्या किया फिर यू वेंट यू नॉक द डोर एंड ओपन दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोला अहमक चिल्ला रहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें पीटूंगा तुम्हें जहाज लाना ही होगा तुम क्या समझती हो मैं तुमसे डरता हूं सब कुछ बोला आपने दरवाजा खोला तो अहमक आपको कहाँ दिख रहे हैं अहमक आपको दिख रहे हैं अपने बेड के नीचे से बात बोलते हुए और बीवी बेड के ऊपर बैठी हुई है सामने खड़ी हुई है कुछ भी है उसके हाथ में बेलन है सो so, अब आपको क्या समझ में आया कि क्या हो रहा था अंदर वोट यू गेट सो कॉन्टेक्स्ट जालिम से मजलूम हो गया है मक, एक ही सेकेंड में बेचारा तो ये बहुत क्या चीज हो रही है इसमें यहाँ पे कि लाइक वी हैव सेइंग बहुत फेमस कि कंटेंट इज किंग कंटेंट इज किंग ंगडम अच्छा वी हैव वन स्टोरी अगर क्या नाम है शेर निकला बिल्ली अरे बिल्ली भी नहीं निकला पंजाब चूहा निकलाट बटर इट इन दैट जो शेयर करना चाह रहे थे कौन सा आप थे

दबा के रखा है यार बहुत अच्छा वो इलेक्शन का माहौल है दिख रहा और क्या दिख रहा है आपको इस कैन यू सी हिज फेस उसके एक्सप्रेशन एंगर वाले हैं किसी को गालियां दे रहा है कुछ गंदे इशारे कर रहा है डज इट फील लाइक दैट और नॉट देखने में ही इज इज मुंह से भी लग रहा है स्क्रीमिंग है और क्या नाम है कुछ गुस्सा है बहुत गालियां दे रहा है ऐसा लग रहा है कुछ भी मतलब ही इज एंग्री नंबर तीन बोल रहा है नंबर तीन बोल रहा है नंबर तीन क्या होता है भाई नंबर दो होता है या नंबर एक होता है क्या होता है तो ये क्या इसका ये एक तरफ का तस्वीर का एक रुख है राइट अब इसका अगर हम अपन दूसरा रुख देखेंगे तब इसमें एग्जैक्ट बता रहा है कि नंबर तीन बता रहा है ये तीन नंबर बता रहा है अब यहां से उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ नाउ यू सी इज ही एंग्री इज ही एंग्री नाउ अब सामने से पिक्चर लिया तो क्या एंग्री है वो नहीं है क्या स्क्रीमिंग है वो नहीं है क्या वो गाली दे रहा है नहीं दे रहा है तो ये है डेंजर्स की किस चीज की आपकी मीडिया जो आपको दिखा दे या कुछ भी आपको दिखा दे ये सारी चीजें आपको समझ में आती है कि बयास किस तरह काम करता है वो एक फेमस पिक्चर भी आपने देखी होगी कि एक बंदे का शूज में से नुकीला रहता है वो बंदा मीडिया उतना दिखाता पूरी पिक्चर नहीं दिखाता बहुत वायरल रहती वो ट्विटर पे सोशल मीडिया पे हर जगह पे की मीडिया शोज वेरी लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट और इसलिए कि पूरी कहानी कॉन्टेक्स्ट मीडिया गायब कर देता है तो आप कॉन्टेक्स्ट से हटा कर कुछ भी देखेंगे तो थिंग्स विल नॉट बी अ प्रॉपर जजमेंट अगर आप सारा कॉन्टेक्ट हटा के सिर्फ सिर्फली सिर्फ अक्टूबर सेवन का एक वाक देख लेंगे मीडिया में सो so दैट विल कोहली बेचारा इंग्लैंड के प्लेयर का नाम लेता उसको बदनाम कर देते गाली देने वाला भाई अब सही बात है वो उसने बेन स्टोक्स बोला था लोगों ने कुछ और समझ लिया तो ये लोगों की गलती है तो ये सब मसले हैं सो इफ यू एब्सोल्युटली थिंक ऑफ एन इवेंट समझने की बात ये है कि आपने एक इवेंट का स्पेसिफिक एक एरिया का एक हिस्सा और एक विजन देखा सो यू आर हाईली लाइकली टू बी इसी तरह होता है कि हमारा दोस्त भी हमारा फ्रेंड है हमारी फ्रेंड है आके कहानी सुनाती कि मेरे साथ उसने ये किया वो क्या वो किया अब हमने दूसरे की कहानी नहीं सुनी हम इसकी कहानी पे पूरा जजमेंट फॉर्म कर लेते तो क्या ये क्रिटिकल थिंकिंग होगी यस और नो करेक्ट नो अरे यस और नो पूछा तो करेक्ट कहाँ से आ आगे नो 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 यस 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 कोई यस yes वाला भी होना चाहिए था यार जब इतने अच्छे चलो अब्दुल रहीम से मैं कर रहा था कि वो यस yes बोलेंगे सो खैर कॉन्टेक्स्ट मैटर्स तो ये चीज आपको समझ में आई राइट right? अब डिसीजन मेकिंग में एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में एक अभी हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात से पहले क्या करें डिसीजन विथ नो थिंकिंग देर आर पीपल हु डोंट थिंक बिफोर डिसीजन मेकिंग बच्चे सोचते क्या डिसीजन लेने से पहले प्योरली मोटिव रहता कई बार डिसीजन कई बार जस्ट इसलिए कि भाई अच्छा लग रहा पांच मिनट पहले कुछ भी है कुछ भी है, उसमें कुछ भी नहीं है एंड डिसीजन विथ अरे आजा भाई डिसीजन विद सिंपल थिंकिंग एक नॉर्मल थिंकिंग करते आप कोई नॉर्मल चीजें सोचते कुछ भी सोचा आपने कि हाँ यार लाइक एटलीस्ट यू थॉट थॉट विद इट समथिंग यू यू एंड डिसीजन ठीक उसके बाद आपने क्या किया विद क्रिटिकल थिंकिंग ये तीन लेवल है आपको डिसीजन लेने की हर इंसान की यही तीन लेवल है तो आपको अब अपने आप को ये देखना है कि वेन एवर यू टेक अ डिसीजन आपने इसमें से कौन सा वाला कैटेगरी में अपने आप को फॉल किया है क्या आपने विदाउट थिंकिंग डिसीजन लिया है क्या आपने सिंपल एक जस्ट थॉट करके एक बार हल्का सा सोचा और ले लिया डिसीजन या आपने क्रिटिकली थॉट प्रोसेस के साथ डिसीजन लिया है अब इससे आपको पता कैसे चलेगा इट इट विल डिसाइड विथ योर टाइम कि आपने डिसीजन कितना क्विकली लिया है ऑफ कोर्स विद प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग से भी डिसीजन फास्ट लिए जा सकते हैं लेकिन जनरली डिसीजन लेने में आपने कितनी मेहनत की अगर कोई मेहनत नहीं की होगी तो आपने बिना सोचे ले लिया डिसीजन भाई कुछ भी करना है चलो यहाँ चलना चाहे और uh, मार्केट में कुछ भी सामने दिखा उठा लिया लेके चले आए कुछ भी है इस तरह ये नो no थिंकिंग वाले डिसीजन है बैठे बैठे और सिंपल थिंकिंग से डिसीजन लेंगे उनके रिजल्ट भी सिंपल होंगे और क्रिटिकल थिंकिंग से जो जजमेंट्स आएंगे उनके अफेक्ट्स और उनके इन्फ्लेंस भी क्रिटिकल होंगे बहुत एक्म्ड होंगे अच्छे होंगे तो जैसे ये आइनस्टाइन का बहुत ओल्ड कोट है जो पिक्चर में आपको दिख रहा है कि द सेम ओल्ड रिजल्ट्स विल गेट फ्रॉम यू द सेम ओल्ड थिंकिंग और ये रिपीट होगा कि आप ओल्ड थिंकिंग करेंगे तो ये वही रिजल्ट आएगा और ओल्ड रिजल्ट से फिर नई थिंकिंग नहीं आने वाली तो रिजल्ट भी सेम आएंगे तो थिंकिंग फिर से ओल्डली चलेगी so it's it doesn't change simply like that right we are running short of time so we have to go a bit quickly so problem solving kya hai problem solving problem solving kya hai koi bhi question koi bhi problem ko solve karne ka sabse important aspect kya hai critical thinking अगर आप critically think कर रहे हैं किसी चीज को आप उसको analyze कर रहे हैं उसमें reasons लगा रहे हैं logics लगा रहे हैं evaluate कर रहे हैं problems को उसके बाद उसमें से बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स सारे मिला के आपने एक रिजल्ट निकाला और उसके बिना पर आपने डिसीजन लिया तो वो क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है उसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं लाइक देयर आर मेनी टेक्निक्स आप फिश बॉन्ट टेक्निक आती है बहुत फेमस है मैनेजमेंट की किताबों में पढ़ाई जाती है उस तरह फाइव वाइज की एक टेक्निक है बहुत सारी टेक्निक्स है तो लाइक like, मैं एक टेक्निक आपके सामने यहाँ पे मैंने जिक्र किया मैनेज करकेज वन एवर यू कम अक्रॉस अ डिसीजन और कम अक्रॉस अ चैलेंज और एन इशू और अ प्रॉब्लम तो आपको क्या करना है आस्क फाइव वाइज बिहाइंड एवरीथिंग कुछ भी है

कन्फ्यूजन इतनी ज्यादा है इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है इतनी ज्यादा कन्फ्यूजन है कि है, हर कोई परेशान है सो so, आपको क्लैरिटी जिसके पास है ना इस वक्त वो इस टाइम का लाइक ही इज़ द वेल्थियस्ट पर्सन ऑफ दिस टाइम इस टाइम को क्लैरिटी जिसके पास है चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो चाहे वो अमीर हो चाहे वो कहीं भी हो बट इफ़ यू हैव क्लैरिटी नाउ यू आर अहेड ऑफ मेनी पीपल इन लाइफ कि आपकी क्लैरिटी आप क्या कर रहे हो आप कुछ गलत भी कर रहे हो तो भी सही कर रहे हो आप क्यों आपके पास अगर क्लैरिटी की आप क्यों कर रहे हो आपके पीछे रीजनिंग है आपके पीछे थॉट प्रोसेस है मे भी दुनिया के लिए वो गलत हो लेकिन आगे चल के वो सही भी हो सकता है सो so दैट्स क्या नाम है ये फाइव वाइज की एक टेक्निक है आप लोग अपना इसको ऑलवेज अपने जिंदगी में इंकल्केट कर सकते हो और दूसरी चीज क्या है आस्क गुड क्वेश्चन अब ये पूरा एक अलग स्लाइड बना रहा था मैं लेकिन फिर मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर लिया कि क्वेश्चन को पूछना बहुत बड़ी चीज है हाउन यूफ यू नो दिस द आर्ट ऑफ फॉर्मिंग क्वेश्चन आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन इस चीज के बारे में कभी सुना है आप लोगों ने तो भाई ने सुना है अब्द्रीम ने सुना है और लोगों ने क्या सुना है यस 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 बिल्कुल अच्छी चीज है तो गुड क्वेश्चन बनाने के लिए कोई एक एक आइडिया कुछ आप बता सकते हैं कि हाउ टू फॉर्म अ गुड क्वेश्चन एक टेक्निक तो मैंने बता दी कि आप पांच बार वाई पूछो लगातार एक बार पूछो फिर आंसर लो लाइक हाउ टू आस्क गुड क्वेश्चन टेक टाइम थिंक बिफोर आस्किंग बिल्कुल और और क्या हो सकता है

क्यों क्योंकि आप अगर सही सवाल नहीं पूछने वाले इफ यू आर नॉट गोइंग टू आस्क द राइट क्वेश्चंस देखिए आंसर्स तो हर कोई ढूंढ रहा है एवरीवन इज गोइंग टू फाइंड सम आंसर और द अदर बट द वन हु आस्क द बेस्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू गेट द बेस्ट आंसर और बेस्ट आंसर वाला सबसे आगे निकलेगा तो बेस्ट आंसर पाने के लिए बेस्ट क्वेश्चन भी पूछना है यू डोंट हैव टू आस्क सिली क्वेश्चंस क्वेश्चंस यू डोंट हैव टू आस्क व्हिच आर अनरिलेटेड अब अगर जैसे मिसाल के तौर पर पौराणिक एग्जांपल एक ले लेते हैं कुछ भी Uh, सतुलफ आप लोग हर जुमे को पढ़ते हैं अब रीड दैट बिकॉज़ सिंस हियर एवरीवन इज मुस्लिम सो आई एम यूजिंग द लिबर्टी तो सदुल कैफ पढ़ते हैं सब लोग जुमे में राइट right? सदुलफ में एक स्टोरी है ऑफ कहफ जो कि क्या नाम है देर सेवन पीपल सिक्स पीपल और फाइव पीपल समथिंग राइट जो अपने शहर से भाग गए थे कुछ भी कर रहे थे उसमें अल्लाह ताला ने एक रिपीटेशन इटरेशन है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये चार थे और पांचवा कुत्ता था कुछ लोग कहते हैं वो पांच थे और छठा कुत्ता था कुछ लोग कहते हैं वो छे थे और सातवां कुत्ता था तो लोग इस क्या नाम है इस इस तरह का सवाल करते हैं कि वो कितने लोग थे और अल्लाह ताला उसमें कमेंट में क्या कह रहा है कि तो कि अल्लाह बेहतर जानता हो कितने लोग थे यानी वो राइट right क्वेश्चन नहीं है कितने लोग थे तुम्हें स्टोरी सुनाई गई कि चार लोगों के साथ इतना बड़ा पांच लोग छह लोग जो भी थे उनके साथ इतना बड़ा मुआवजा हुआ कि वो वहां से शहर से निकाल दिए गए वो भाग के गए और एक गार में जाके छुप गए और उसमें तीन सौ साल तक सोते रहे और उसके बाद अल्लाह ने उन्हें उठाया इतने बड़े मुआवजे में तुम ये सवाल लेके आए हो कि वो कितने लोग थे मतलब क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं था तुम पूछते कि उन्हें क्यों निकाला गया था क्या तुम ये नहीं पूछ सकते थे कि उन्होंने इतना ईमान कहाँ से पाया या उनके ईमान की ताकत क्या थी या व्हाट वॉज दिच यू आर आस्किंग द क्वेश्चन कि भाई ये क्या है अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे लेक्चर दूर और मैं आपको इतनी क्रिटिकल थिंकिंग बात करूँ आप में से कोई मैं पूछूँ फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चन और कोई मुझसे एक क्वेश्चन पूछे कि भाई आप कौन से लैपटॉप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या ये क्या है क्या क्या सो आप अनरिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछना शुरू कर देंगे सो विल दैट लीड यू एनी वेये इट्स गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम ये थिंक बहुत सिंपल है बट वी मेनी टाइम्स अर डू इट हम सब ये करते हैं काम बहुत ज्यादा बार हम ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका आंसर हमें या तो पता होता है या हम किसी को सिर्फ बेस्ती करने के लिए पूछ रहे हैं या किसी की इंफॉर्मेशन टेस्ट करने के लिए पूछ रहे हैं या हम जस्ट फर्जिफ ऑफ आस्किंग क्वेश्चन हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं सो so, इस चीज़ से अपने आप को रिमूव कीजिए ऑलवेज बी द वन हु आस्क बेटर क्वेश्चन आप बेटर आंसर देने की मैं गारंटी नहीं लेता मैं नहीं बोलता आप आंसर अच्छा दीजिए मैं ये बोलता हूँ क्वेश्चन से पूछना शुरू कर दीजिए इफ़ यू स्टार्ट आस्किंग गुड क्वेश्चन इन योर लाइफ बिलीव मी यूल स्टार्ट सींग लाइक योर लाइफ चेंज

अपने हमेशा जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में लेके आइए कुछ भी लेके आइए बी क्रिएटिव थिंक स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंक ऑफ सोलूशंस विच आर बियॉन्ड वॉट यू अंडरस्टैंड बियॉन्ड वट इज बींग जस्ट ऑब्जर्व कई बार सोल्यूशन क्या नाम है आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं कई बार सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो आपको सोचने के लिए अगर आप क्रिएटिविटी नहीं नहींट करेंगे सो यू विल बी जस्ट स्टक विद दॉट प्रोसेस तो उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं आई uh, uh, मुझे अंदाजा है कि हम ओवर uh, टाइम चले जाएंगे इस वजह से सो so, क्रिएटिविटी को अपने क्या नाम है क्रिटिकल थिंकिंग के साथ बहुत क्लोजली इट्स रिनेटेड अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिंग क्रिएटिव क्योंकि जितना आप क्रिटिकली क्लेम करेंगे रीजन लॉजिक्स के पीछे दौड़ेंगे एनालिसिस अच्छी करेंगे द मोर यूल ओपन द वेज एंड डोर्स की आप नए नए तरीके से सोल्यूशन कहाँ से निकाल सकते हैं उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो बंदा है क्रिटिकली थिंक करता है हर बात को या जो बंदा क्या नाम है जिसके माइंड में क्रिटिकल थिंकिंग इन है ही इज ऑलवेज गुड इन कम्युनिकेशन उसको पता है सही क्वेश्चन क्या पूछने हैं और सही क्वेश्चन के आंसर भी उसको मिल रहे होंगे ही इज ऑलवेज गुड इन गोइंग क्या नाम है अपनी बात को कन्वे करना और दूसरे की बात समझना इन दोनों में वो गुड है कई बार लोग होते हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन सही नहीं पूछा होता सामने वाले ने कहा कुछ था और सुना कुछ था गलत फहमी ने बातों को बना डाला यूं ही वरना कहा कुछ था सुना कुछ था मुझे कुछ और कहना था he said something else and you understood something else and then he meant something else तो so, ये सारी चीजें effective communication वैसे ही खत्म होने लगेंगी जब आप critical thinking के ऊपर अपने आप को लेके आएंगे ये इसके क्या नाम है perks और कुछ aspects हैं उसके बाद relationships आपके relationships improve हो जाएंगे these are some things which are like uh, very well effective relationships में कई बार अब यही मैंने आपको अहमद का story सुनाया था जो बेचारा बेड के नीचे से चिल्ला रहा था अब यही इनके दरमियान अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता तो भाई वो बैठ के बाहर से भी आके नॉर्मली इस तरह क्या नाम है कुछ बात बोल सकता था या उसकी बीवी बेचारी उसको मेहमानों के सामने इस तरह नहीं अब भाई उसको अगर मेहमान ही भगाने थे घर से तो डायरेक्टली खाने में नमक ज़्यादा कर सकता था या कुछ कर सकता था इतना बड़ा ड्रामा करके ख़ुद को जलील करने की जरूरत थी सो लाइक ही कुड ऑफ डेन एनी जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल समझने के लिए कि हमने बात की कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स दोनों उसकी बेटर हो सकती हैं दोस्तों के साथ भी हो सकते हैं कहीं भी हो सकती है किसी इंसान की सो ये एक क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत अच्छा एक क्या नाम है प्लस पॉइंट है कोरोलरी है और आपका इसका एक अप थिंग है जो आप इसके साथ अपने आप सीखना शुरू करते हो और राइट क्वेश्चन की तो हमने बात कर ही ली है कि राइट क्वेश्चन क्या है वो एक बहुत बड़ा बोनस है राइट क्वेश्चन और क्रिटिकल थिंकिंग इट्स लाइक अंडा मुर्गी रिलेशन कि राइट क्वेश्चन से आपको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएंगे और क्रिटिकल थिंकिंग से आप राइट क्वेश्चन की तरफ आएंगे ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है क्योंकि रीजनिंग और एनालिसिस जब आप करते हैं तो अच्छे क्वेश्चन आप अगर नहीं पूछ रहे होंगे तो कभी भी आप क्रिटिकल थिंकिंग में आगे नहीं जाएंगे सो एवरी वन इज ऑन सेम पेज एंटिल

लॉजिक को भी क्वेश्चन कीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस अब तो बहुत काफी कॉमन वर्ड है फैड है ऑलमोस्ट इज अवेयर ऑफ इट कितने लोगों ने इसके ऊपर कुछ भी मतलब उनको है लाइक दे नो वाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस मोर देन द वर्ड जस्ट राइट इफ यू नो यस और नो समथिंग इफ यू नो अबाउट इट इट जस्ट राइट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस so, अपने आप में एक ऐसी चीज है जो क्रिटिकल थिंकिंग से डेवलप होती है इट्स एन एडवांस थिंग ये क्या नाम है नॉर्मल नहीं है पहले के लोग आई क्यू की बात करते थे आ, कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या है आज के दौर में उससे आगे बात चली कि इमोशनल क्वेश्चन क्या है उसमें भी एक सोशल क्वेश्चन भी आ गया तो देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इन लिंक विद इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग से इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी बढ़ती है यू नो वेन यूर इमोशंस आर क्योंकि बेसिकली जब आप क्रिटिकली थिंक करते हो आप अपने इमोशंस को बैकफुट पे लेके जाते हो कि यार इमोशंस को थोड़ा साइड में रखते हैं अच्छी तरह एनालाइज करके हम रिजल्ट और डिसीशन पे आते हैं सो योर इमोशन स्टार्ट गेटिंग अंडर यू देखो आइदर योर इमोशंस विल कंट्रोल यू और यू विल कंट्रोल योर इमोशंस दोनों में से एक ही चीज हो सकती है दोनों नहीं होने वाला सो यू हैव टू मेक अ हैबिट कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं नाकि और जिंदगी में ऐसे मोमेंट जरूर आएंगे कि इमोशन आप पे भारी बाहर लगेगा लेकिन उसका इफेक्ट बहुत उन लोगों के लिए बहुत मिनिमम होगा जिनके पास हैबिट होगी अपने इमोशन को गाइड करने की इमोशन एव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी इमोशंस में बहुत पावर होती है उसको लिमिटलेस नहीं समझना चाहिए कोई इमोशनल बंदा है तो ये नहीं समझना वो वीक है वो बहुत स्ट्रॉग बंदा है उसके इमोशन को राइट right गाइडेंस देने की जरूरत है बस एंड ही विल एक्सेल इन एनी फील्ड ही सो so इमोशंस को सप्रेस नहीं करना होता है उन्हें गाइड करना होता है उन्हें चैनलाइज करना होता है इट इज जस्ट लाइक अ वालकनिक एरप्शन मतलब एक है जो एरेप्ट होना चाह रहा है उसको सही जगह एरेप्ट करा दो तो कहीं भी आग लगा दोगे उसको गलत जगह एरप्ट करा दो तो भी कहीं भी आग लगा दोगे अब वही आपने उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी, एनर्जी पूरी दुनिया को बिजली दे सकते हो वही आपने एटमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया तो आप तबाह भी मचा सकते हो सो दैट्स वॉट हाउ स्ट्रॉग इमोशन आर सो उस तरीके से इमोशंस को हमेशा बहुत अच्छे से लेना है उसका सबसे बड़ा प्रोटिक्प क्या है क्रिटिकल थिंकिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छा बनाने के लिए स्लो डाउन ऑलवेज स्लो डाउन अपने आप को स्लो डाउन कीजिए कभी भी हरीदने से बाहर निकलिए कुछ भी करना है स्लो डाउन टेक अ डीप ब्रेथ स्टार्ट थिंकिंग कुछ भी अपने एक्शन को स्लो डाउन कीजिए मे बी यूल फील लाइक यूर ग्लिचिंग और जैसा होता है ना फोन हैंग कर रहा कुछ कर रहा नॉट अ प्रॉब्लम कोई मसला नहीं है लेकिन आप स्लो डाउन करेंगे अपनी लाइफ में और बहुत ज्यादा इवेंट्स के बजाय छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कीजिए अब विच ईच स्टेप थिंक एंड मूव ऑन थिंक एंड मूव ऑन धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे तो योर लाइफ विल गेट बेटर विद दिस ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा क्या नाम है इंट्रोस्पेक्शन uh, लेके आता है बहुत अच्छे तरीके से आपका क्या नाम आगे बढ़ने के लिए लेके आता है और प्रोटिव साथ में क्योंकि आए मैंने देख ही लिया था सारे मुसलमान है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलहदुल्ला मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ नो ये मेरा टाइप है inputs, anyways, तो एक बहुत, कि अपने आप पे गौर करना अपने आप पे डेली सेल्फ इंट्रो इसके बारे में बहुत सारी चीजें कि लोग साहबा के दरमियान ऐसे हदीसे मिलती हैं जो लोग डेली तस्किया करना है, जिनका मिलता है उनके लिए जन्नत के विछाड़ते देंगे भाई जो डेली रात में अपने आप का तस्किया करके सोते हैं जो अपने आप को पूरे दिन की वरूद सोच के एवरीथिंग सो दे इंट्रोस्पेक्ट कि हाँ आज मैंने ये डिसीजन लिए मैंने ये काम किया दिस 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 आउट आउट गुड बैड तो ये सारी चीजें करना दिस इज वेरी गुड थिंग टू इम्प्रूव योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों चीज अब आप ये चीज देख रहे हैं कि वॉट आर द फोर कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बस बट आई जस्ट क्विकली शेयर यू कि देखिए इसमें अवेयरनेस और एक्शन दो चीज़ें हैं ठीक है और दो एस्पेक्ट भी हैं एक आपका अपना सेल्फ है और एक बाहर की दुनिया है ठीक है तो सबसे बुनियादी चीज़ क्या है इंटीरियर में सेल्फ अवेयरनेस है कि आपकी अवेयरनेस अपने सेल्फ को लेके होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए मुझे क्या पसंद है मुझे क्या करना है ठीक उसके बाद आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए दूसरों को लेकर सोशल अवेयरनेस है कि मुझे क्या क्या नाम है आ, मेरे साथ लोगों की क्या पसंद है मेरे साथ लोगों के क्या हाल हैं मेरे साथ लोगों की क्या एक्टिविटीज़ हैं लोग क्या फ़ील कर रहे हैं लोग किस तरह से आ, क्या नाम है चीज़ों को लेते हैं और मैं किस तरह से ले रहा हूँ क्या हम सेम पेज पे हैं हम डिफरेंट पेज पे हैं क्या हमारा मिजाज सेम है डिफरेंट है कुछ भी है उसके बाद एक्शन पे आएंगे तो सेल्फ अवेयरनेस से फिर नीचे आ पाएंगे और उसके बाद क्या है फिर आप अपने आप को एक्शन लेके सेल्फ को मैनेज करेंगे उसके बाद और जब सोशल के ज़रिए उस रास्ते से आएंगे तो आप

इंसान को क्या करना चाहिए वॉच मिरर ऑफ लेकिन मिरर किस तरह देखना है ये अपने रोज का घड़ी या उस तरह जो भी सामने का मिरर है उसको देखना अपना चेहरा देखना वो एक डिफरेंट चीज है मिरर इस तरह देखना है जैसे अंदाजों से देखना है कि आपके मिरर को देख के आपकी इमेज जो डिजायर्ड इमेज है उसको देखना है मिरर में यानी यू शुड नॉट वॉच वॉट यू आर जब मिरर देखो तो उसमें वो देखो जो देखना चाहते हो और अपने और उसमें वो गैप फाइंड करो जहां पे यू आर लैकिंग एंड यू स्टार्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट थिंकिंग कि भाई मैं क्या मिस कर रहा था या मैं क्या हाँ लाइक कर रहा हूँ मुझे क्या इंक्लूड करना है जिससे मैं उस जहाँ पे पहुंच सकता हूँ सो मिरर देखते वक्त वो मत देखो जो तुम हो वो देखो जो तुम होना चाहते हो जहाँ तुम पहुंचना चाहते हो ये एक बहुत क्या नाम है कीमती चीज़ है कि लाइक वेन एवर यू लुक अ मिरर स्टार्ट लुकिंग द थिंग विच यू वॉन्ट टू बी सो योर माइंड विल स्टार्ट मेकिंग वेज तो आप डिसीजन लेने से पहले सोचोगे कि क्या मैंने मिरर में जो आज तस्वीर देख के आया हूँ जो तस्वीर मैं बनना चाहता हूँ क्या मेरा ये डिसीजन मुझे उस अपने गोल के करीब लेके जाएगा या गोल के दूर लेके जाने वाला है सो दिस थिंग जब आप इस तरीके से सोच के अपने डिसीजन लोग गुड एंड यूज डिसीजन विच वेल्प यू मे बी दे आर रॉन्ग डिसीजन बात की बात है बट दे विल ऑलवेज हेल्प यू कम क्लोजर टू यूर गोल्स कम क्लोजर टू दिक्कत राइट right? और फोकस अपना इंप्रूव कीजिए फोकस के ऊपर हम पहले ही बहुत अच्छी तरह बात कर चुके हैं राइट दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द इमेज कि हाउ मेनी यू प्ले चेस बताओ 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 कितने लोगों को इमेज समझ में आ रही है कितने लोगों को समझ में आ रही है इमेज कितने लोगों को ये इमेज समझ में आ रही है आई डोंट आई डोंट आई डोंट कोई बात नहीं कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही है लोगों को नहीं रही है। no, अच्छा ये की से है ना। तो पॉन इज़ I mean तो की स्टोरी ये होती है चेस में बस बैकग्राउंड ये है इफ अ पॉन रीचेज द लास्ट रैंक राइट अगर पॉन ये जो प्यादा है ये अपने आप को चलते 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 लास्ट रैंक में पहुंच गया चेस के सो ही विल बिकम वो बनना है. और start वो उसको बनना क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट पीस ऑन द चेस बोर्ड बनना है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा हाँ मुझे भाई ऐसे जाना है ऐसे जाना है यहाँ अपनी हिफात करनी है यहाँ पे क्रॉस करना है यहाँ पे नहीं करना है यहाँ सीधा चलना है कुछ भी चलना है अपने रास्ते देखने एंड अल्टीमेटली उसको क्या नाम है अपने रास्ते पे चलते चलते एंड में उसको अपना रिजल्ट निकालना है कि उसे क्या बनना है क्वीन बनना है या उर्दू में बोलते हैं वजीर बनना है तो ये चीज़ समझने की जरूरत है कि आपको जब भी मिरर देखें तो वो मत देखें जो आप हैं वो तो खैर आप देखेंगे हमेशा मिरर देखें तो ये देखें जो आप बनना चाहते हैं मिरर देखें तो वो देखें जो आप बनना चाहते हैं मिरर देखें तो वो देखें जो आपको बनना है जो आपका डिजायर्ड स्टेट है जो आपके करंट स्टेट से जाने वाली है और दैट मिरर शुड बी योर पाथ वे टू रीच दैट स्टेट आपके और आप उस पोजीशन के बीच में क्या है सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं एक्सक्यूज मी कोई कुछ बोल रहा है मुझे म्यूट कर देना चाहिए क्या सबको आई थिंक चलो वैसे अपने अच्छे लोग हैं तो मैंने वैसे क्या नहीं है कि मैं सबको फोर्स म्यूट रखू अपने आपकी पहचान होना बहुत जरूरी है. तो है आप क्या बनना चाहते हो यानी आपको अपनी करंट स्टेट भी पता होनी चाहिए और आपको डिजाइड स्टेट और उसके बीच का जो रास्ता है दैट इज वॉट यू हैव टू कवर अपर डिसीशन ऑल योर प्लान थिंग्स शुड बी इन दैट वे की आपको आपके नॉर्मल पोजिशन से लेके जहाँ आप पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंचाए लीडरशिप अच्छा लीडरशिप चलो ये इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे ज्यादा लंबा हो रहा है जस्ट क्विकली क्विकली आप लोग चैट में बताइए हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लीडर कितने लोगों को लगता है वो लीडर है मी वाओ आते ही बैटिंग शुरू इरम नो अब्दुल रहीम आई डू वेरी गुड इन डिफरेंट सिचुएशन यस हाँ यस यस इज इज मैटर्स यस हर जगह पे तो हर कोई वैसे भी लीडर नहीं है भाई दुनिया के लीडर तो हम नहीं डिपेंड्स कहीं भी अपने आप को लीडर समझते हो नहीं समझते नॉट कहीं ना कहीं है लीडर आप? Yes, yes, leader, as as आप सब अपने आप में लीडर हैं अगर नहीं है तो बन जाइए और आज और इसी मोमेंट में बन जाइए यू आर अ लीडर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन क्या आप डिसीजन नहीं एटलीस्ट क्या आप अपने खाने का डिसीजन नहीं लेते क्या आप अपने

भाई मैं अपने हाथ दो हाथ पांच उंगलियां या दस उंगलियां या पैर की भी मिला लो तो दस अंगूठे अपनी दोनों आंखें नाक कान ये सब मेरे अंडर ही तो चल रहे हैं मैं लीडर नहीं हूँ क्या मेरे थॉट्स का मेरे दिल के जज्बात का मेरी किडनी मेरे गुर्दे मेरे कलेजी ये सब क्या मैं इनका लीडर नहीं हूँ मेरी हड्डियां मैं अब अपनी हड्डियाँ चाहूँ तो दीवार में मार के तोड़ दू लेकिन मैं नहीं तोड़ रहा हूँ लीडर ऑफ देम यू आर एटलीस्ट मिनिमम एटलीस्ट आप अपनी बॉडी के लिए एक लीडर हैं आप अपने डिसीजन के लिए एक लीडर हैं और एवरी लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो क्रिटिकली थिंक करता रहे और एक एक डिसीजन से उसके क्या क्या है उसका इफेक्ट पड़ने वाला ये सब सोचे ये तो छोटी चीज पे मैंने अप्लाई करके बताया लेकिन आपकी लीडरशिप का मतलब यही है कि नाउ देर आर योर डिसीजन आर इंपॉर्टेंट आपके जजमेंट्स और डिसीजन का इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पर कितने लोग इस बात को रियलाइज ही नहीं करते कि हमको डिसीजन लेवल पे क्या रहे किसी को क्या फर्क पड़ता है मैं क्या भी फैसला लूँ नहीं भाई बहुत फर्क पड़ता है यार आपकी किडनी को फर्क पड़ता है अगर आपने क्या नाम है बिरयानी दो प्लेट ज्यादा खा ली तो आपके पेट को फर्क पड़ जाएगा अगर आपने क्या नाम आप है चवा ली मिर्चे बहुत ज्यादा तो क्यों नहीं पड़ेगा लेकिन like, पेट का भी जवाब बाकी आप, 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 आप तो मुसलमान है तो जवाब भी देना है भाई पेट को भी तकलीफ दी है तो पेट भी शिकायत करता अल्लाह मिया को ये ये नहीं सोचना कि खाली बाहर वालों को तकलीफ दिए तो खाली बारिश वारिश शिकायतें करने वाले हैं ऐसा वा कुछ नहीं है अगर जिसम को तकलीफ दिए तो जिसम भी शिकायत करता भाई ये अमानत है अल्लाह की तरफ से सो दैट इज द वे यू आर ए लीडर इन एवरी एस्पेक्ट और जितना बड़ा जो लीडर बन सकता है वो उतना बड़ा लीडर सकता है और लीडरशिप आपकी पर्सनल लाइफ में भी है इसके अलावा लीडरशिप आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी है इज ऑलवेज ऑलवेज समवन समवन अंडर अंडर वर्किंग यू जिसको आपको गाइड करना है जिसको आपको सिखाना है सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक गुड डिसीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग आपकी जिंदगी का पार्ट इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज यू आर गोइंग टू अफेक्ट मेनी थिंग्स एंड मेनी पीपल इन योर लाइफ इट्स ऑलवेज लाइक दैट इट्स नेवर की आपकी वजह से किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला

हमने बात तो क्रिटिकल थिंकिंग की थी लेकिन उससे पहले का एक स्टेप क्या है भाई सोचो तो सही सोचोगे तो क्रिटिकल सोचोगे ना बिना सोचे तो कुछ नहीं होगा तो स्टार्ट थिंकिंग दैट्स द बेस्ट थिंग उसके बाद क्या है आप सोच रहे हो तो थो थोड़ा अच्छे से सोच लो यार क्रिटिकली सोच लो थोड़ा दिमाग लगा के सोच लो थोड़ा मज़े लेके सोच लो और इसके बाद क्या करना है लिसन लिसन केयरफुली ये बोनस था लेकिन मैंने इंक्लूड किया क्योंकि सुनना हमारे लिए एक प्रैक्टिकल एडवाइस है जो आज आप यहाँ से लेके जा सकते हो कि भाई आज इस क्लास का मैंने कुछ नहीं सीखा लेकिन मैंने एक चीज सीखी कि मुझे सुनना बहुत अच्छे से Once I start listening very good then i can take very good decisions so तो is also a very crucial thing. उसके बाद क्या है Question बहुत अच्छा करना है दूसरी चीज क्या है राइट ask the best questions, राइट right questions. अली king वो है जो असली अच्छा सवाल पूछता है अच्छा आपने कभी देखा है कि बादशाह जवाब देते हो बादशाह तो सवाल ही पूछ रहे हो तो जवाब देने के लिए तो वजीर बैठा होता कभी भी स्टोरी पढ़ी है तो बादशाह क्या सवाल करो जवाब देते हैं बादशाह तो सवाल कर रहे होते हैं जवाब तो देने के लिए कोटियर है वजीर है सब है सारी दुनिया जवाब देने को बैठी है लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला इज द रियल किंग सो बी द किंग और द क्वीन विज टू दस्ट लेडी अप्लाई करो मे बी आपको उसमें सब कुछ आता होगा तो मे बी नॉट अपलाइंग इट इफ योर गुड सब कुछ है तो ठीक है एक्शन लीजिए दूसरों से कही वेरी गुड और, और जिंदगी को बेहतर बनाइए इन एवरी फ्रेम एक्शन के विदाउट नॉलेज विदाउट एक्शन इज नॉलेज विदाउट एक्शन इज अ बैगेज इज यूजलेस कचरा है वो वो नॉलेज जिसका एक्शन नहीं आया वो नॉलेज क्या है वो आपके जिसम पर बर्डन है वो जैसा गधे के ऊपर है ना किताबें रख के बोझ बांध दिया जाए दैट्स लिटरली योर इमेज अगर आपके उस नॉलेज है और आप एक्शन नहीं ले रहे उस नॉलेज के बेस पे कोई भी तो आपका ये एक्जाम्पल एग्जैक्टली वही है कि गधे के ऊपर किताबें रख दी गई उसके बाद भी तो नॉलेज है पूरी किताब भरी हुई है उसकी पीठ पे पूरा नॉलेज खा के बैठा है लेके बैठा है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सकता कुछ भी इसलिए वो गधा है बेचारा तो डेट इस थिंग अच्छा अब मैं जान ये इस कंक्लूजन में अब मैं चाहता हूँ फ्रॉम ईयर टूडे इस कंक्लूजन में नेक्स्ट साइड पर जाने से पहले आई वॉन्ट एवरीड अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा अरे इसमें तो जो लिखा है वो मत बोलो यार कुछ नहीं इसके अलावा कुछ बोलो अगर कुछ इसके अलावा नहीं मिला तब यहाँ से बोलना ये तो मैंने कंक्लूड आपको करके दे दिया ना अब आप बताइए कि वट इज़ वन थिंग विच यू लर्न फ्राम येयर फ्राम टूडे इज दिस वन

ज इफ यू विश टू एक्सेल एट एनीथिंग वील टू डेवलप दबिट ऑफ क्रिकलीके लर्न टू मेक डिसंकर्न टू मेकीन बेस्ड ऑन य्रटिकल अच्छा और एक पॉइंट है जो मैं चाह रहा हूँ कोई, तो, कोई तो पकड़ा होगा यार एक पॉइंट और मैंने बोला था बीच में यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मतलब मेरा तो सारा फंडा उसी पर चल रहा है mm -mm -mm. हाफ क्लैरिटी ओके दैट्स आल्सो गुड पॉइंट खैर ओके आई विल जस्ट टेल मे बी आप लोगों ने मिस कर दिया या मैंने सही से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया ऑलवेज राइट राइट द थिंग्स यू कम टू योर माइंड क्लैरिटी पाने के लिए सबसे बेसिक चीज राइट जब तक आप क्वेश्चंस को राइट नहीं करेंगे क्वेश्चंस को uh, लिख के नहीं uh, दिमाग में क्वेश्चंस बहुत बड़े लगते हैं लेकिन जब पेपर पे आते हैं तो बहुत सिंप्लीफाई हो जाते हैं अपने आप क्योंकि दे गेट अ क्लियर कंस्टेंट एंड वर्ड्स सो ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स

हाँ हाँ हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग इन द नेम ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं, हमारे अब्दुलरीम साहब कि इट्स आजान हो रही है लेकिन आ, जाना भी है खैर आप क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे अवॉइड कर सकते हैं लाइक ओवर थिंकिंग अवॉइड ऐसे कर सकते हैं कि आप जो सोच रहे हैं उससे डिसीजन पर पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं क्वान्टिफाई योर क्वेश्चन एंड थाट्स अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए क्वेश्चन इफ़ यू आर अनलिमिटेड अनलिमिटेड क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मैंने बोला था ना एक टेक्निक बताई थी फाइव वाइज तो वो फाइव पे क्यों रोक दिया था जाने को तो आप फिफ्टी वाइज पर भी जा सकते हैं बट यू हैव टू स्टॉप एट फाइव वाइज बिकॉज उसके आगे ओवर थिंकिंग सो आपके जो क्वेश्चन हैं और आपकी जो चें हैं और आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्वार्टिफाइड होने चाहिए वो आपको रिजल्ट के पास लेके जाना चाहिए अगर आपके क्वेश्चन रिजल्ट के अलावा प्रॉब्लम में ही घुसा रहे हैं आपको तो वो ओवर थिंकिंग है

तो uh, हम लोग आइडेंटिफाई करें कि देखिए हर चीज करने की नहीं रहती तो वी डेवलप दिस क्रिटिकल एनालिसिस दो क्वेश्चंस रहते हैं जो हर प्रोजेक्ट पे हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि कैन वी डू इट एंड शुड वी डू इट ठीक है कैन वी डू इट वो है जहां पर वी डिस्कस द रिसोर्स वी वुड बी नीडिंग अपनी केपेबिलिटी कितनी है एंड अपना टाइम वहां पर लगाना वैल्यूएबल है या नहीं है हो सकता छोटी चीज़ है जिसको करने छः महीने लग जाए और उसी के छः महीने के ड्यूरेशन में कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर मिल गया या है वो करेंगे तो हम लोग और ज़्यादा कमा सकते हैं या और जो है हमारे को आ, थोड़ा इजी रहता करने के लिए एंड ऑल्सो सेवरल अदर फैक्टर्स के वो कितनी दूर है हाउ मच ट्रांसपोर्टेशन कितना हम लोग ट्रांसपोर्ट ट्रेवल करेंगे बैक एंड फोर्थ तो ये क्वेश्चन रहते जो हम लोग कैन वी डू इट में कंसिडर करते देन वी मूव ऑन टू शुड वी डू इट शुड वी डू इट इज प्योरली यू नो कमर्शियल एस्पेक्ट रहता कि वो वहाँ पर छः महीने लगा के कितने कितने कमाएंगे और जो है वही छः महीने कहीं और लग के कितना हम कर सकते हैं तो uh, ये दो क्वेश्चन थे जो डेवलप करके हम लोग भी स्टार्टेड सेइंग सेज वेल एज यू नो फोकसिंग ऑन फॉन ऑन द कोर आई मीन एरिया जो हम लोग काम करना चाह रहे तो uh, ये दो क्वेश्चन है कैन बी डू इट एंड शुड भी डू इट और आई फील के हर बिजनेस को या हर हर फ्रीलांसर हो या जो भी है जो अपना अपना खुद का एक गिग कर रहे हैं दे नीड टू आस्क दिस दिस टू क्वेश्चंस के कैन वी डू इट एंड शुड वी डू इट वो वो दो क्वेश्चंस पर ही इलेबोरेट करके एक घंटे का सेशन कर सकते हैं हम लोग उसको कैसा हाउ डू वी रन डाउन वो कभी इन शाला टाइम तो बनेंगे बट बट दिस टू क्वेश्चंस कैन वी डू इट एंड शुड वी डू इट इस पे जो है ना फोकस करना बहुत जरूरी है इवन इवन इन व्हाइल मेकिंग करियर क्या बोलते हैं डिसीजंस व्हाइल टेकिंग करियर डिसीजंस ये दो चीज़ें uh, देखना बहुत ज़रूरी है

So well, thanks everyone.